उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 2023 की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा भी चढ़ने लगा है। रुझान आने के पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली को लेकर एक तंज भरी अपील की है। उन्होंने कहा है, हर राउंड की मतगणना के बाद चुनाव आयोग आंकड़े जारी करे ताकि उस पर विश्वास बना रहे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, आशा है चुनाव आयोग हर एक राउंड के बाद आंकड़े बताता जाएगा जिससे जन विश्वास बना रहे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कर्नाटक के नतीजों पर भी ट्वीट किया है। अखिलेश लिखते हैं, कर्नाटक का संदेश ये है कि भाजपा की नकारात्मक, सांप्रदायिक, भ्रष्टाचारी, अमीरोन्मुखी, महिला युवा विरोधी, सामाजिक बंटवारे, झूठे प्रचार वाली, व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है। ये नए सकारात्मक भारत का महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व वैमनस्य के खिलाफ सख्त जनादेश। आपको बता दें कि यूपी में नगर निकाय चुनाव के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। प्रदेश के 760 नगर निकायों में 4 मई और 11 मई को दो चरणों में वोटिंग हुई थी। पहले चरण में 52% तो दूसरे चरण में 53% वोटिंग हुई थी। यूपी निकाय चुनाव को 2024 के पहले अहम माना जा रहा है। इन चुनाव में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक पार्टियों की साख दांव पर लगी है।